अभी पंचमढ़ी में, आज मेरा दूसरा दिन है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे बाइसन लॉज है और ठीक इसके बाद पोस्ट ऑफिस है। ये जो है पोस्ट ऑफिस पंचमढ़ी है उसके पीछे है। अभी चलता हूँ बाइसन लॉज, अभी गाड़ी यहीं छोड़ देता हूँ। यहाँ से वहाँ से मैं टिकट लेके आऊंगा सारे व्यू पॉइंट का। मैंने कवर किया था एक हांडी को, अच्छा काफी नेचुरल व्यू आता है वहाँ, व्यू पॉइंट है। और दूसरा मैं गया था सनसेट, राजेंद्र गिरी सनसेट पॉइंट, वो भी काफी अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। ये है पंचमढ़ी का प्यारा डाकघर जिसके गेस्ट हाउस में मैं रुका था। यहाँ से बाइसन लॉज कुछ ही दूरी पर है। बाइसन लॉज से टिकट लेकर मुझे लगे हैं 200 रुपए एक बाइक के। अगर आप दो भी आदमी हैं और एक बाइक है तो आपके 200 लगेंगे और 50 रुपए बाइक के सैनिटाइजेशन के। और मैं अभी हूँ अपने कॉटेज में IQ में, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी ग्रे बीस्ट। और मैं चलता हूँ, मैं आ गया हूँ पांडव गुफा में। पांडव गुफा से पहले आप देखेंगे थोड़ा सा गार्डन है और तो गुफा के गेट के सामने कुछ घोड़े वाले मिल जाएंगे, आप हॉर्स राइडिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ के फूलों की कुछ तस्वीरें मैं लेकर आपको स्टिल इस वीडियो में डाल दूंगा। गर्मी हो रही है भैया, और मैं आया हूँ अप्सरा विहार और सिल्वर फॉल के लिए। मैं गेट पे हूँ और यहाँ से मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, तो चलते हैं और पहुँच कर दिखाते हैं आपको अप्सरा फॉल और सिल्वर फॉल कैसा दिखता है, क्या है। और हाँ, जब इन दोनों फॉल पे आप आए तो यहाँ किसी भी फॉल पे पंचमढ़ी में नहाना अलाउड नहीं है, उसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना है अगर आप नहाते हुए पाए जाते हैं तो। 1.5 किलोमीटर की स्टीप डाउन हिल के बाद कुछ ऐसा रास्ता आपको मिलने वाला है। खैर देखते हैं, यहाँ से अब 1 किलोमीटर है, यानी कि जो जिप्सी है वो आपको यहाँ लाके छोड़ देगी, यहाँ से भी आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तो चलते हैं। यहाँ पर से अप्सरा फॉल और रजत फॉल यानी सिल्वर फॉल के लिए दो अलग अलग रास्ते जाते हैं। ये वाला जो रास्ता है वो अप्सरा फॉल की तरफ का है और ये जो है सिल्वर फॉल की तरफ। तो पहले मैं जा रहा हूँ सिल्वर फॉल। सूरज देवता चमचमाते हुए आसमानों के बीच, ओहो।
पे और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ। ठंडा ठंडा लग रहा है लेकिन यहाँ आके अच्छा लग रहा है। आगे मतलब बिल्कुल पहाड़ों के बीच गड्ढों में बना हुआ है और मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे। अब बारिश शुरू हो गई है। अप्सरा फॉल से मैं वापस आ रहा हूँ। काफ़ी शानदार मौसम है। कुछ देर पहले इतनी गर्मी की बस, मैं जंगलों के बीच से अभी जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, रेनकोट तो साथ लाया हूँ बट कोशिश करूँगा कि पहना ना पड़े। चलिए
तक के पूरे जर्नी की सबसे बेस्ट सीनरी जो है वहां पे मैं खड़ा हूँ और उसका नाम है भव्य दृश्य। जी हाँ, जरा एक बार नजरे इनायत फरमाइए। अभी मैं आ गया हूँ धूपगढ़, और धूपगढ़ का जो व्यू है काफ़ी अद्भुत है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद सिनेमैटिक शॉट देख लेना। और यहाँ की एक खास बात मैं बताऊँ तो इस जगह से तवा डैम के पास, ये होशंगाबाद के पास है, वहाँ से यहाँ आने में मुझे बाइक से लगे 4 घंटे। उस तवा डैम की जो पानी है लगभग 100 किलोमीटर दूर बाय रोड जिगजैग करने में लग जाते हैं, तो उस तवा डैम की पानी को आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं नंगी आँखों से। कैमरे में आना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि कैमरे में आ जाए। और काफी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं काफी सारे लोग सनसेट पॉइंट पे आए हैं सनसेट कवर करने के लिए।